अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहनवाज की और प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आज मैं आपको तीन मल्ले का ब्रांड न्यू हाउस वीआईपी हाउस आपको दिखाऊंगा। इसमें बहुत अच्छी डिजाइनिंग की गई है और ये चार बेड का हाउस है। इसकी लिविंग, इसकी प्राइस और इसकी लोकेशन सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। अभी मैं आप लोगों को बाहर का एरिया दिखा रहा हूँ, ड्रोन शॉट्स दिखा रहा हूँ। ये तीन मल्ले का घर है, इसमें चार बेडरूम है। और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारा टिकटॉक पर, स्नैक पर और लाइकी पर भी हमारा आईडी है, वहां पे भी आप शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। उसको भी अगर आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। इस वक्त मैं आपको तीन मल्ले का ब्रांड न्यू हाउस फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा हूँ। ये इसका फ्रंट है, 22x30 इस घर की डिमेंशन है। 30 फीट की रोड्स हैं इसके सामने। तीन मरले का घर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये मैंने आपको कार पोर्च दिखाया अभी। ये इसका फ्रंट एलिवेशन। और ये इसका कार पोर्च है, जहां पे आप बड़ी गाड़ी भी आसानी के साथ खड़ी कर सकते हैं। इसमें आपको तीन डोर नजर आ रहे हैं। एक डोर इसमें आपको पाउडर रूम मिलेगा, दूसरा ड्राइंग रूम को खुलता है, और तीसरा अगर आप इस घर को सेपरेट करना चाहते हैं ऊपर वाले पोर्शन को, तो सेपरेट भी किया जा सकता है। ये इसका पाउडर रूम है, जो कि आम तौर पर गेस्ट के लिए या गार्ड्स के लिए या मेड के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत पाउडर रूम बनाया गया है। बाहर वेदर शीट का काम किया गया है और फ्लोर पर ब्राउन और व्हाइट कलर की टाइल्स लगाई गई हैं। ये सामने सीनरीज बनाई गई हैं और इसको मजीद मॉडरेट डेकोरेट किया गया है। इसमें व्हाइट कलर की टाइल्स लगाकर आर्टिफिशियल ग्रास लगाई गई है। बहुत ही खूबसूरत ये घर बना हुआ है। ये दो डोर जो मैंने आपको बताए, और साथ 1.5 फुट की गली आगे छोड़ी गई है। ये इसकी सीलिंग कार पोर्च की। ये 1.5 फुट की गली, उसमें भी आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल्स लगाकर इसको मजीद खूबसूरत कर दिया गया है। इस गली के छोड़ने का फायदा ये है, एक तो ये वेंटिलेशन हो जाती है ड्राइंग रूम की। ये बाहर वाला एरिया मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं। सारी चीजें मैं आपको स्लो स्लो दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल सके। इस वक्त हम घर के अंदर दाखिल हो गए हैं और ये ड्राइंग रूम है इसका। देखिए कितना खूबसूरत और बेहतरीन किस्म की डिजाइनिंग की गई है, फिनिशिंग की गई है। ये सीलिंग में फनूस लगा हुआ है। इसको आप टीवी लाउंज भी बना सकते हैं, इसको ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं। ये फायर प्लेस दी गई है और सामने वॉलपेपर लगाकर इसको मजीद खूबसूरत कर दिया गया है, और सीलिंग में ग्लास लगाया गया है। दो फैंस लगे हुए हैं। इस घर में कर्टन आपको लगे लगाए मिलेंगे, फैंस मिलेंगे इंस्टॉल्ड, और मैं किचन भी दिखाता हूँ। किचन में भी काफी चीजें इंस्टॉल्ड है। ये अभी मैं आप लोगों को ड्राइंग रूम दिखा रहा हूं। अंतहाई खूबसूरत ड्राइंग रूम है। साढ़े 15x14 ड्राइंग रूम का साइज है। ये भी आप लोगों को ड्राइंग रूम अच्छे तरीके से दिखा रहा हूं। ये स्टेज ऊपर जा रही हैं। ये साथ एक बेडरूम है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं आप लोगों को किचन दिखाता हूं। देखें, एक तीन मल्ले के घर में आपको लुक ऐसी नजर आएगी जैसे आप कोई 7 या 5 मल्ले का घर देख रहे हैं। और इस किचन में आपको ग्रीन कलर के कैबिनेट्स नजर आ रहे हैं, और इसमें आपको अप्लाइंसेस साथ मिलेंगी, जैसे कि माइक्रोवेव, माइक्रो ओवन,
ये सारी चीजें इसमें लगी हुई हैं। सीलिंग में लाइट्स लगी हुई हैं, ग्रीन कलर के कैबिनेट्स, कूड चूल्हा सब कुछ इंस्टॉल्ड है, सिंक बड़ा खूबसूरत लगा हुआ है। फिर इसी किचन के अंदर से ये वॉशिंग एरिया, ये फिर से मैं आप लोगों को दूसरी साइड से किचन दिखा रहा हूं, इंतहाई खूबसूरत किचन है। 10 फुट लंबाई और 7.5 फुट चौड़ाई है इसकी किचन की। पीछे 3.5 फुट की गली छोड़ी गई है जिसको हम वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। किचन के अंदर से ही डोर है उसका ये किचन। नीचे भी कैबिनेट्स बने हुए हैं, बड़ी खूबसूरत टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है फ्लोर पर, और स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है इस किचन को, ये देखें स्लाइड वाला डोर लगा हुआ है। और ये इसका बेडरूम है। इस घर में जिस रूम में भी जिस जगह पे भी आप जाएंगे आपको नजर आएगा कि काम किया हुआ है और मॉडर्न स्टाइल का काम है। ये मखमल स्टाइल की पेलिंग लगाकर दीवार को खूबसूरत किया गया है। सामने आपको वार्डरोब नजर आ रही है, कर्टन लगा हुआ है विंडो को, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। ये इसकी मॉडर्न स्टाइल की सीलिंग, 12x10 का ये रूम है। सारे घर में एक जैसी टाइल इस्तेमाल की गई है जो कि ऑफ वाइट और ब्राउनिश कलर की है। ये इसका वॉशरूम, वॉशरूम में गोल्डन कलर की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। जो टाइल्स के दरमियान में बॉर्डर दिया गया है वो भी गोल्डन कलर का है, और इसमें जो वॉश बेसन लगाया गया है वो भी गोल्डन कलर का है। मिरर बड़ा खूबसूरत लगा हुआ है, वाइट कलर की इसमें कंबोर्ड लगा हुआ है। ज्यादातर चीजें जो हैं वो गोल्डन कलर की लगाई गई हैं और गोल्डन टच दिया गया है, जैसे कि शावर है या इसमें नलके लगे हुए हैं, टूटियां लगी हुई हैं, वो सब गोल्डन कलर की हैं। और इसमें जो वॉश बेसन है वो भी गोल्डन कलर का है। ये इसकी सीलिंग है, सीलिंग के अंदर ही इसमें एग्जॉस्ट फैन दिया गया है और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी गई है। ये मैंने आपको नीचे वाला एरिया दिखा दिया है, और टीवी लाउंज, किचन और 1 बेडरूम नीचे है, वो मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी। अब हम ऊपर चलते हैं। ये स्टेज हैं, स्टेज में भी जैसे फर्श पर टाइल्स लगाई गई हैं वैसे ही इन पर भी ब्लैक कलर और सेम ऑफ वाइट की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये स्टेज के ऊपर जो दीवार है उसको सीनरीज लगाकर इसको मजीद खूबसूरत किया गया है। ये देखें बड़ा खूबसूरत डिजाइनिंग की गई है। ये ऊपर वाला टीवी लाउंज, इसे मीडिया पॉइंट बना सकते हैं, इसको जिस तरह यूटिलाइज करना चाहें आप कर सकते हैं। ये इसकी सीलिंग है, इंतहाई खूबसूरत सीलिंग है। सामने फायरप्लेस भी दिया गया है, लकड़ी का काम किया गया है मीडिया पॉइंट में। ये देखें ये फायरप्लेस और ये सारा लकड़ी का काम है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। ये मीडिया पॉइंट जहां पे बनाया हुआ है वहां पे लकड़ी का काम किया गया है, और सारे घर को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। मैं हर चीज आपको तसल्ली से दिखा रहा हूं कि अगर आप लोग विजिट कर रहे हैं तो पहले ही माइंड बना के आए कि जी ये हमने घर खरीदना है। तो ये देखें यहाँ पे भी कर्टन लगे हुए हैं। इस घर की अगर प्राइस की बात कर लें तो 1,40,00,000 रुपया डिमांड है। अलकबीर टाउन फेज 2 में ये घर है। ये स्टडी रूम है, बच्चों के लिए स्टडी रूम, या बड़े भी यूज़ कर सकते हैं इसको, स्टडी रूम बना सकते हैं। आमतौर पर लोगों ने किचन ऊपर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्टडी रूम बना दिया है। फ्यूचर में इसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन ये स्टडी रूम प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लकड़ी का काम किया गया है और कर्टन सारे घर में लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 1,40,00,000 रुपया इस घर की डिमांड है। पानी, बिजली, गैस सब कुछ इस सोसाइटी में मौजूद है। ये ऊपर वाला बेडरूम, ये सामने वॉल पर वॉलपेपर लगाकर इसको खूबसूरत किया गया है, और ये सीलिंग इसकी,
12x10 का ये रूम है। ये टाइल्स जैसे कि नीचे लगाई गई थी वैसे ही ऊपर लगाई गई हैं, और ये वार्डरोब जिसे अलमारी भी कहते हैं, और ये सीलिंग। मैंने बताया आप लोगों को कि आपको कर्टन्स, आपको फैंस, हर चीज़ आपको इंस्टॉल्ड मिलेगी, जस्ट आपने अपना थोड़ा बहुत सामान उठाना है और इस घर में शिफ्ट हो जाना है। तो अगर आप लोगों ने इस घर का विज़िट करना है तो मेरे दिए गए नंबर 03214478 पर कॉल करें, हम आप लोगों को इस घर का विज़िट करवा देंगे। 1,40,00,000 रुपया इस घर की डिमांड है। ये मैं आपको ऊपर वाला वॉशरूम दिखा रहा हूँ, वॉशरूम भी बेहतरीन किस्म का बनाया गया है, फिनिशिंग बड़ी कमाल की गई है, और जो चीज़ें अंदर इस्तेमाल की गई हैं वो तो क्या ही बात है उनकी, ज़बरदस्त किस्म की इसमें फिनिशिंग और डेकोरेट चीज़ें, वॉश बेसन और टाइल्स का इस्तेमाल, पूरे पूरे वॉशरूम की वॉल्स को टाइल्स से कवर किया गया है। ये ऊपर वाला बेडरूम एक दिखा दिया, ये दूसरा बेडरूम 10 फुट चौड़ाई और 11.5 फुट लंबाई इस रूम की। इसमें भी सारी चीज़ें, अटैच्ड बाथ, कर्टन्स लगे हुए हैं, और ये इसकी वार्डरोब। 1,40,00,000 रुपया इस घर की डिमांड है। अगर आप लोगों ने इस घर का विज़िट करना है तो मेरे दिए गए नंबर 03214478 पर कॉल करें। 4 बेड का ये हाउस है। ऊपर वाला चौथा बेडरूम भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे दूसरा बेडरूम है उसका मैं वॉशरूम दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हर वॉशरूम में जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, जो कलर स्कीमिंग यूज़ की गई है वो टाइल्स में, वो बेहतरीन किस्म की यूज़ की गई है। हर बेडरूम और उसका अटैच्ड बाथ लग्जरी लुक दे रहा है। ये ऊपर वाला दूसरा बेडरूम मैंने आपको दिखा दिया, ये देखिए वॉल पर कितना अच्छा काम किया गया है, डेकोरेशन बहुत अच्छी की गई है, फिनिशिंग बहुत अच्छी की गई है। अब हम ऊपर छत पर जा रहे हैं और ऊपर भी बेडरूम है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चौथा बेडरूम है, ये देखें ये भी चौथा बेडरूम है, और इसको भी, इसके वॉशरूम को भी बड़ा खूबसूरत बनाया गया है और बेडरूम को भी बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। ये देखें इसमें भी गोल्डन कलर की ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। इसमें वार्डरोब्स इस वॉशरूम के अंदर ही बना दी हैं। वॉश बेसन देखें कितना खूबसूरत लगा हुआ है। ये देखें ये वार्डरोब्स अंदर ही बना दी हैं इस वॉशरूम के अंदर। जाते जाते मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि 1,40,00,000 रुपया इस घर की डिमांड है। अलकबी टाउन फेज 2 में ये घर है। पानी, बिजली, गैस सब कुछ इस सोसाइटी में मौजूद है। अगर आप लोगों ने इस घर का विज़िट करना है तो मेरे दिए गए नंबर पर रابطہ करें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ऊपर छत पर भी बहुत ज़बरदस्त काम किया गया है, बादल मार्बल लगाया गया है। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।